The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. उसको पिक करा, साइज लिया, बहुत ही परफेक्ट वे में ऐसा लगना चाहिए 0.1। कलर इफेक्ट बहुत लाइट क्लोज। हमने क्या मेंशन करा कि ये ऐसे नहीं बना है, ये ऐसे नहीं होगा, इसका ग्रुप होगा, राइट? जी सर। इतना बताओ समझ में आया? जी। अब उस बेस पर यहाँ पर हमारा एक बोर्ड लगाया गया, बोर्ड के ऊपर क्या करा गया है, यहाँ पर आपकी लैमिनेट फिनिश हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिप्स आ रही है, वो स्ट्रिप्स दे दी उन्होंने, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इतने ज्यादा मटेरियल्स, ज्यादा मटेरियल्स हैं जिसका कुछ हिसाब नहीं है, स्ट्रिप्स को लेके चारकोल लूवर तक इतने अवेलेबल। अभी बताओ इंटीरियर के जो वो होते हैं उनके बारे में क्या क्या आइडिया है? अच्छा, मटर का सर बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सर अच्छी बात है कि सर बुरी बात है? ये अच्छी बात है ताकि तुमको एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। इंटीरियर को स्टार्ट करने से पहले, बेडरूम को डिजाइन करने से पहले हम वहीं पे उसको पाउच कर देते हैं। रीजन क्या होता है कि हमको मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। जी सर। टाइप्स ऑफ बोर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, करने के बाद फिर हम इस पे काम करना स्टार्ट करें। तो मैं कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, मैं कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा, क्योंकि मैं नोट्स बनवाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऑटोकैड में तुमने सारी चीजें तुमको आती थी, तुमको मालूम थी, वो बहुत अलग थी, लेकिन इंटीरियर के नोट्स आपको बना के चलना पड़ेंगे, राइट? जी सर। हाँ, बोर्ड में हमारे पास कुछ बोर्ड्स होती है, होते हैं, आपने नाम सुना होगा। जी सर, HDF MDF का नाम सुना है सर। आपने बहुत सारे बोर्ड का नाम सुना होगा, आपने प्लाईवुड का नाम सुना होगा, HDF सुना होगा। जी सर। MDF सुना होगा, और एक और बोर्ड होता है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो एक हमारा होता है जो बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है, कौन सा होता है वो? वो नहीं पता सर। जी नहीं सर। समझ रहे हो, मतलब अभी बहुत चलो एचडी ताई हाई डेंसिटी फाइबर को, क्लियर? जी सर। भी कह रहा है कि HDF हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, और सबसे अच्छी क्वालिटी का बोर्ड में जो आते हैं, जो लोग यूज, तो हम लोग यूज करते हैं, वो प्लाईवुड या HDF यूज करते हैं मोस्टली। अब इन तीनों में पहले समझ लो कि क्या क्या मतलब होता है। HDF इज ए फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल मटेरियल विद मेनी यूजेस, मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है, कॉमन सी बात है कि अफोर्डेबल मटेरियल भी है और मैनी यूजेस भी है इसके, ठीक।
अब इन्होंने चीजों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा है इन्होंने अलग अलग वे में कि मतलब क्या होता है एसडीएफ का और एमडीएफ का। फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, एसडीएफ हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड एमडीएफ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। प्रीमियम एसडीएफ इज ओवर 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड अप टू 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर हम इसके स्टैंडर्ड ग्रेड की बात करें एमडीएफ की, एमडीएफ का जो ग्रेड होता है हैज अ डेंसिटी ऑफ 600 से लेके 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक होता है। सर डेंसिटी से सर उसमें एमडीएफ में सर कोई इफेक्ट पड़ता है किसमें सर डेंसिटी से? अरे एक बात बताऊं मैं जी सर, आपके पास एक क्यूब है जी सर, वो बिल्कुल खाली है जी सर, एक क्यूब है जो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, डेंसिटी किसकी है? जब पानी से मैं कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूज चलो ठीक है तो भूल जाओ, एक गिलास खाली है और एक गिलास पानी से भरा है जी सर, किसकी डेंसिटी होगी अभी? सर जो पानी से भरा है सर वही ना, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेड बताया है कि उसकी जो क्वालिटी है एमडीएफ की वो उन्होंने एक्सप्लेन करी है। इन्होंने क्या करा है, ये हाई डेंसिटी बोर्ड है एमडीएफ से ज्यादा, द हाई डेंसिटी बोर्ड इज हार्डर देन एमडीएफ। क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यू में, याद कर लेना वरना पछताओगे। और एमडीएफ क्या कर, लेस हार्ड देन हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड बट हार्डर देन पार्टिकल बोर्ड। अब ये कह रहा है कि ये इसकी जो डेंसिटी वो कम तो होती है लेकिन एक बोर्ड होता है पार्टिकल बोर्ड जो मैंने तुमसे भी क्या कहा था जो सबसे चीप होता है जी सर, काम चलाऊ होता है। लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए कहते हैं अरे काम करो हमारे टेबल बना दो पार्टिकल बोर्ड पे। पार्टिकल बोर्ड का मतलब होता है क्या है, जो वेस्ट मटेरियल जो जैसे कि मान लो जो हमारी बोर्ड होती है उसका जो मटेरियल निकल रहा है वेस्ट उन सबको जोड़ जाड़ के उसके बेसिस पे जो बोर्ड बनाया जाता है। अगर तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि कोई चेयर है या फिर कोई टेबल होती है तो उसको तुम फिंगर से जब ऐसे करोगे तो देखा नहीं वो रफनेस होती है उसमें। हाँ सर हाँ। प्लाईवुड में क्या होता है, बिल्कुल प्लेन और सॉलिड होती है जी सर जी। तो पार्टिकल बोर्ड सबसे चीप बोर्ड होता है। ये कह रहा है कि ये अच्छा तो होता है लेकिन पार्टिकल बोर्ड से तो लेकिन फिर भी अच्छा होता है एमडीएफ जी सर। एसडीएफ क्या करता है, जो एसडीएफ डेंसिटी फाइबर बोर्ड इसकी स्मूथ होती है, इसकी जो फाइबर बोर्ड इज स्मूथ एंड हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस। हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड इज स्मूथ एंड हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस इसकी होती है और एमडीएफ की भी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस होती है। तो एक हमने एक चीज क्या नोटिस करी कि सरफेस फिनिश में बराबर की टक्कर दे रहा है। वर्क में आ जाओ, नॉट एज इजी टू रूट एंड प्लान एज एमडीएफ, इजी टू कट इनटू शेप, स्मूथर एंड प्लेन। क्या समझ में आया? समझ नहीं पड़ा सर मुझे। वर्कएबिलिटी में कह रहा है नॉट एन इजी टू रूट एंड प्लान एज एमडीएफ, मतलब इतना इजी नहीं होता है उसको एक तरीके से कटिंग करना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना जितना कि आपका एमडीएफ होता है। इजी टू कट इनटू शेप, इसको इजीली कट कर लिया जाता है अलग अलग पार्ट में, स्मूथर एंड प्लेन जी सर। एसडीएफ कॉस्ट इज मोर देन, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड की, ये खुद लिखा है। और ये क्या कह रहा है, चीपर देन द एसडीएफ कॉस्ट, ये एसडीएफ सस्ता है, सस्ता होता है। एसडीएफ को हम यूज कर सकते हैं कहां कहां पर, इंडोर फर्नीचर, फ्लोर, वॉल पैनलिंग, डोर, नॉट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर यूज, एक्सटीरियर के लिए नहीं है, एक्सटीरियर के लिए नहीं है, इंटीरियर के लिए। एमडीएफ क्या है, फर्नीचर That has grooves and molding, cornices and cabinetry. इसको हम use कर सकते हैं MDF को कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर grooving वाला काम होता है MDF को furniture में use कर सकते हैं हम, इसको molding में use कर सकते हैं, जो cornices होती हैं उनमें use कर सकते हैं,
जो किचन कैबिनेट होती है उनमें भी यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, तुम खुद बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। कितना बताओ हो गया? जी सर आ गया समझ। ठीक है चलो, फिनिशर समझ में आ गया तुम्हारे? जी सर। फिनिशिंग में क्या कह रहे हैं? फिनिशिंग हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड शीट कैन बी डन यूजिंग विनियर, लेमिनेट या पेंट। अगर हम इसके ऊपर कोई फिनिश दें, मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एमडीएफ यूज करा और उस एमडीएफ पे अगर हम कोई शीट देना चाहें, जैसे कि विनियर शीट, लेमिनेट। विनियर शीट क्या होती पता है? नहीं पता सर। लेमिनेट? लेमिनेट सुना है पर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं सर, लेमिनेट सुना है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो हमसे आप दो चार दिन जितनी क्लासेस होगी उसमें बस हम थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी उसके बाद हम इंटीरियर स्टार्ट करेंगे। जी सर। यहाँ पर यूजिंग विनियर, लेमिनेट और पेंट, हम इसके ऊपर पेंट भी यूज कर सकते हैं एमडीएफ पे, लेमिनेट भी चिपका सकते हैं और विनियर शीट भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम वही चीज कर सकते हैं, मतलब फिनिशिंग में बराबर है। क्लियर है? जी सर। सर प्यू कलर क्या होता है सर? वो लोग बोलते हैं ना प्यू कलर। प्यू कलर नहीं, प्यू पेंट होता है। हाँ प्यू पेंट। प्यू पेंट होता है, डीको पेंट होता है। जी सर। अभी आगे हम सब एक्सप्लेन। चलो क्लियर हो गया? जी सर। अब आती है बात एचडीएफ फाइबर बोर्ड इन होम इंटीरियर, हमारे होम इंटीरियर में कहाँ कहाँ यूज होता है। एचडीएफ फाइबर बोर्ड इज द प्रिफर्ड फॉर लेमिनेटेड वुड फ्लोरिंग एंड इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का इसका क्या है कि हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर? फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग पे कहाँ पर? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट। एचडीएफ फाइबर बोर्ड लाइक एमडीएफ इज ए गुड चॉइस, चाहे एफडीएफ हो चाहे एमडीएफ हो, इज ए गुड चॉइस फॉर द कोर ऑफ किचन कैबिनेट। अभी हमने तुमसे क्या कहा था, हमें पर एमडीएफ दोनों हम यूज कर सकते हैं किचन कैबिनेट में। जी सर। एंड इट स्टैंड अप वेल टू चेंज इन हीट एंड इज एबल टू विदस्टैंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये देखो, शटर ऑफ द हाई डेंसिटी वुड फाइबर वुड आर पॉपुलरली फिनिश्ड विद डेकोरेटिव मेम्ब्रेन्स। कह रहा है कि जो एचडीएफ यूज करी जाती है किचन के कैबिनेट वगैरह में या शटर्स वगैरह में, उनमें हम डेकोरेटिव लेमिनेट्स या शीट्स यूज कर सकते हैं। हम उसमें मैट, ग्लॉसी, लेमिनेट एंड एज बेंड टेप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, ये क्लियर बता रहा हूँ। सर समझ आ रहा है सर। ग्लॉसीनेस का मतलब क्या होता है सर? ग्लॉसी का मतलब होता है एक तरीके से मान लो कि हमारे पास एक कार है तो 10 साल पुरानी है, एक बिल्कुल नई खरीदी है, दोनों साथ में खड़ी है, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आएगा सर? यानी 10 साल पुरानी हो तो दूसरी अपने का बोलो बिल्कुल नई शोरूम से लेके आए सर, नए वाले में इफेक्ट रहेगा सर? नया वाला सर साइन करेगा सर, बढ़िया लगेगा सर उसके। पॉइंट कह दिया, नया वाला साइन करेगा सर। साइन करेगा, वो ग्लॉस चमक है उसके अंदर। जी सर। और जो पुरानी है उसको समझ लो एक तरीके से वो होगा मैट, नया ग्लॉसी लेमिनेट। सब पुराना मत कहना, मैट का मतलब यहाँ पर पुराना ही नहीं कह रहा हूँ, मैट का मतलब जहाँ जिसमें शाइन ग्लॉसी नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है, चमक। जी सर। ठीक है, ग्लॉसी मैट। सर मैट कहाँ पे लगाया जाता है सर? मैट जो बता रहे हैं सर आप, ये मैट फिनिश होती है। अभी हम आगे बड़े बड़े रहे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश क्या होती है इंटीरियर का, तुम आधा थ्योरी पढ़ लोगे हमसे समझ में आ जाएगा। जी सर। एक लेमिनेट का मतलब बता दीजिए सर, लेमिनेट का सर समझ नहीं आ रहा। अरे भाई लेमिनेट वगैरह और ये शीट वगैरह अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर। ओके। शीट, लेमिनेट, पीयू, डीको, शीट क्या होता है सब आगे आएगा। ओके सर। अभी कह रहा है कि हम ये जो हमारे किचन कैबिनेट है ये हमारे एमडीएफ से बने हुए हैं और इनमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्लॉसी लेमिनेट यूज कर सकते हैं और मैट लेमिनेट। जी सर। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो एक चीज तो समझ में आई कि एचडीएफ और एमडीएफ क्या होता है और एचडीएफ कहाँ का यूज होता है और एमडीएफ कहाँ का यूज होता है। जी सर। दूसरी बात एचडीएफ में क्या होती है, एचडीएफ यूज करा जाता है कहाँ पर सर? फॉर इंटीरियर के लिए यूज होता है सर मोस्ट ऑफली।
जिसमें आप बॉक्सेस बना सकते हैं स्टोरेज के लिए, शटर्स दे सकते हैं, इंटरनल शेल्फ दे सकते हैं, वार्डरोब दे सकते हैं, किचन कैबिनेट दे सकते हैं, ठीक है जी सर। और क्या कर सकते हैं, क्लासिक काम कर सकते हैं, मतलब क्लासिक वर्क भी हम इसमें कर सकते हैं जो क्लासिक इंटीरियर्स आते हैं इसमें। ओके सर, जैसे कि ये जी सर, ये वार्डरोब, ये क्या लगा है, ये है बोर्ड, कौन सा, एमडीएफ, एमडीएफ, ये जो तुम्हें इसमें जो वुडन वाली चमक नजर आ रही है, अरे नहीं जी सर, लैमिनेट, ये मान लो जो बोर्ड होते हैं मार्केट से बोर्ड आते हैं, बोर्ड के ऊपर मटेरियल को लगाया जाता है, ये लैमिनेट होती है, ये शीट होती है, अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। ओके सर, और कहीं यूज करते हैं, वॉल पैनलिंग में, किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम जो बना रहे जा रहे थे इंटीरियर वॉल, जी सर जी सर, ये पूरा बोर्ड लगा हमने कर ना, बोर्ड लगेगा यहाँ पर जी सर, यही है वॉल पैनलिंग, तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं डेकोरेटिव वॉल पैनलिंग में, ठीक है, पार्टीशन वॉल्स में यूज कर सकते हैं, ये चीज है, ये देखो आज के बाद जब तक इंटीरियर देखोगे तब तक तुम्हें दिमाग में तुम्हें समझ जाओगे कि यहाँ कैसे बना है जी सर। सर यानी सर एमडीएफ सर पार्टीशन वॉल में यूज किया जाता है सर, ओके, अने सर एचडीएफ भी कि एचडीएफ नहीं यूज किया जाता सर उसमें। देखो ये मत सोचो कि तुम सोच रहे हो कि हम यहाँ पर एमडीएफ और यहाँ, देखो जहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है, जहाँ पर जिसकी लाइफ रहे, जहाँ पर पानी वगैरह से हर एक चीज से सेफ्टी रहे, तो वहां पर अच्छी क्वालिटी का बोर्ड लगाया जाता है, सिंपल वर्ड में समझो अगर। जी सर जी सर, अब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर हम सोच रहे हैं पैसा बचाने के लिए यहाँ पर हम वो लगाते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्टिकल बोर्ड, जी सर ऐसा नहीं है, एमडीएफ भी यूज कर सकते हो, एमडीएफ भी यूज कर सकते हो, फिनिशिंग आएगी आपकी, लेकिन क्या है दोनों की लाइफ में डिफरेंस होता है, आज के बाद समझ जाओगे बहुत अच्छी तरह, ये देख के, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये लैमिनेट है जी सर, ये तुम्हारा किसकी बनी हो सकती है, ये प्लाईवुड की बनी हो सकती है, प्लाईवुड विद लैमिनेट, समझ रहे हो जी सर। सर 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 लैमिनेट सर यानी कि जो एमडीएफ होता है स्टीम सर, इसमें लैमिनेट क्यों मारा जाता है सर, लैमिनेट क्यों लगाया जाता है, बिल्कुल अभी बताएंगे तुम्हें, बिल्कुल समझ जाओगे जिंदगी में, कभी भूलोगे नहीं कि लैमिनेट और क्या क्या है, पहले आज बेसिक पढ़ा, पहले इसको समझ लो, एचडीएफ यूज होता है वॉल शेल्फ पे जी सर, ये क्लियर हो गया जी सर, इसकी जो थिकनेस आती है वो अलग अलग थिकनेस में आता है और ये थिकनेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक जी सर, हमारा एचडीएफ और एमडीएफ के बारे में इतना बताओ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आप ये चीज मान के चलो आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, इंटीरियर अगर एक दिन में खत्म कर लोगे तो फिर बात ही क्या है जी सर। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एक और चीज की, HDHMR, आप सोच रहे होगे सर ये नई चीज क्या निकाल दी सर, इसका भी नाम सुने नाम सुना है जी सर, हां सर, इस दिन सर क्या सर क्लासेस से पहले ना मैं सर यानी कोर्स चालू करने से पहले सर मैं ये मटेरियल देख रहा था उस पे YouTube पे पहले बहुत देख रहा था सर, उसमें देखा है सर उस पे ये वाला क्या होता है ये सर, ये भी टाइप का बोर्ड होता है सर, ये देखा है पर डिटेल में पता नहीं इसके बारे में, ये भी बोर्ड होता है और ये क्या होता है, ये यहाँ पर मेंशन है HDMR बोर्ड इज या हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड इज इंजेक्ट वुड मेड फ्रॉम द वुड फाइबर से बना हुआ होता है ये जी सर, ठीक, और ये यहाँ पर कहना है कि मेकिंग इट एन आइडियल चॉइस फर्नीचर वगैरह में HDHMR बोर्ड यूज ज्यादा करा जाता है, ठीक है जी सर,
फर्नीचर वगैरह में ज्यादा यूज करा जाता है. क्यों? दैट आर प्रोन टू मॉइस्चर्स, मॉइस्चर्स वगैरह से बचाने के लिए. अब इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी दे दी एमडीएफ की और एचडीएमआर की भी. स्मूथ फिनिश होती है इसकी. एचडीएमआर बोर्ड कम विद प्री पेंट या पॉलिश्ड, मतलब कि जो बोर्ड होता है पहले से ही पेंट करा हुआ आता है या पॉलिश करा हुआ आता है सरफेस की. स्मूथ ग्लॉसी शाइन, ठीक है. लो मेंटेनेंस होता है एचडीएमआर, लेकिन ये इसमें थोड़ा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. तो इसका मतलब मेंटेनेंस की जरूरत, मतलब कि टाइम टू टाइम इसकी जो पॉलिश आती है वो पॉलिशिंग वगैरह करनी पड़ती है, रख रखाव, साफ सफाई, ताकि उसको मॉइस्चर वगैरह हर एक चीज से बचा रहे. जी सर, हाँ सर, मतलब साफ सफाई, डस्ट ना लगे, कचरा वचरा धुआं. एमडीएफ बोर्ड आर टर्माइट एंड बोर रेजिस्टेंट, और एचडीएमआर बोर्ड आर आल्सो टर्माइट, मतलब कि ये वो कहते हैं ना टर्माइट प्रिय, ये क्या है, लेस वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट देन एचडीएमआर. ये क्या करता है, हाई वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट. मतलब सर पानी से, मतलब पानी से, मतलब कि जो वो करता है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से कह सकते हो, जो आती नहीं है तुम्हारी जैसे कि मॉइस्चर आ जाती है तुम्हारी उसमें. हाँ सर, लकड़ी फूल जाती है पानी में आने से. बिल्कुल बिल्कुल. एमडीएफ बोर्ड के प्राइस कम होते हैं, एचडीएफ बोर्ड प्राइस इज हाई. हाई, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसमें. कहाँ कहाँ एमडीएफ होती है यूज, पार्टीशंस, शेल्व्स, ठीक है, और एचडीएमआर किचन कैबिनेट, फर्नीचर, पैनल, पार्टीशंस. तो आप दोनों बोर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ एक लें. सिर्फ मेंटेनेंस का डिफरेंस है, मेंटेनेंस ऑफ एमडीएफ और एचडीएमआर. एमडीएफ में क्या होता है, डस्ट अवे विद ड्राई, आपने कपड़ा लिया पोंछ दिया. जी सर, क्या है, डस्ट अवे विद ड्राई, सूखे कपड़े से पोंछ दिया. एचडीएमआर में क्या है, क्लीन स्पॉट इंस्टेंट ऑफ द होल एरिया, पूरे एरिया को आपको क्लीन करके पोंछना पड़ेगा उसको, हर एक पार्ट को. नेवर यूज वाटर टू क्लीन, एमडीएफ में पानी की जरूरत नहीं पड़ती है साफ करने के लिए. इसमें क्या है, जस्ट मेक ए क्लीन स्वीप, बस इससे हम चीज कह सकते हैं उसको भी. पानी पानी की जरूरत तो किसी बोर्ड में नहीं पड़ती है, कौन भाषा कह देगा. कीप अवे फ्रॉम हीट एरियाज, मतलब हीट वगैरह से इसको दूर रखा जाता है. यू कैन यूज लग वॉन वाटर टू क्लीन दिस मटेरियल. बस एचडीएमआर को आप यूज कर सकते हैं बहुत लाइट वार्म वाटर के साथ बस. क्यों पूछो, क्यों 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 सर? क्योंकि एमडीएफ जो बोर्ड होता है वो हमारा एक नॉर्मल नेचुरल बोर्ड होता है, लेकिन एचडीएमआर जो बोर्ड होता है, अभी तुमने ऊपर क्या पढ़ा था, वो प्री पेंटेड होता है, वो पहले से ही पेंट करता, पेंट करा हुआ आता है. हाँ जी सर, पहले से पेंट करके होता है, पहले से पॉलिश होता है. हाँ, तो इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं, एमडीएफ में नहीं कर सकते. जी सर, तो ये तुम्हारे होते हैं डिफरेंस किसमें, एमडीएफ, एचडीएफ और एचडीएचएमआर. क्या बोर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लाई बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, एचडीएफ, एमडीएफ, एमडीएफ और एचडीएमआर, एचडीएमआर. सब में समझ में आ गया? जी सर. क्लियर हो गया? यस सर. बोर्ड के बारे में नॉलेज हो गई? जी सर. बोर्ड के बारे में नॉलेज हो गई, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो बोर्ड की थिकनेस के बारे में बात करेंगे. उसके बाद जो तुम हमसे कह रहे हो कि ये लेमिनेट क्या होती है, फिर हम तुमको बताते हैं कि लेमिनेट किस किस रेंज में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करी जाती है.